जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वन चारे, यमुना तीर वन चारे, जय राधा माधव कुंज विहारे, जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव, जय राधा माधव, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय,
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ताई गौर प्रेमानंदे, सब लोग प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजर का चार अशोत्स श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य जगदीश प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। All glories to assemble devotees, 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 glory Sri Guru and Sri Gauranga, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita, Adhyay Sankhya 2, Shlok Sankhya 39. Main padhta hoon, kripya dhyan purvak suniyega. पहले श्लोक के शब्द बोलता हूं, मेरे पीछे दोहराइए। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धे योगे तु इमाम शनु बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा, मेरे पीछे दोहराइएगा। ऐशा ये सब ते तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तो लेकिन इमाम इसे शनु सुनो बुद्धया बुद्धि से युक्त साथ साथ सहित यया जिससे पार्थ हे प्रथापुत्र कर्म बंधन कर्म के बंधन से प्रहास्यसी मुक्त हो जाओगे। अनुवाद पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा सब लोग। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। काफ़ी लंबा इसका तात्पर्य है, दो सवा दो पेज का है, तो इसको पढ़ेंगे किश्तों में, पढ़ेंगे एक साथ नहीं पढ़ेंगे। उसके पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानंजन शलकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदमयम ददाति स्वपदांतिकम वंदेहम श्री गुरु श्री उत पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवाष्ट श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधवेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतलेश्वरमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने ये सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वे अधिक सुखी होगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्र तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक ही हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का ही अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वे अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया कि उसके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी के रूप में हैं, और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विराट विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इसे सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है, और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया, उसमें आण्विक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दीं। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। ये माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है, और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण वासुदेव की शरण में जाता है, जिसे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अभी 3-4 पैराग्राफ और हैं, पहले इतनी चर्चा कर लें। भगवान कृष्ण जो है 39 से लेके 53वें श्लोक तक चर्चा करेंगे बुद्धि योग की, कि बुद्धि योग क्या है। योग का अर्थ है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना है? अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ना। बुद्धि का अर्थ क्या है? सिंपल भाषा में इंटेलिजेंस। साधारण भाषा में तो बुद्धि को इंटेलिजेंस ही कहते हैं ना। तो बुद्धि के द्वारा अर्थात यहां बुद्धि का अर्थ लिया गया है निष्काम कर्म योग।
आप इंटेलिजेंटली अपने आप को उस लेवल पे ले जाते हैं कि आप अपने आप को भगवान से जोड़ पाएं। ये भगवान ने ज्ञान दिया है कि तुम्हें अपने आप को मेरे से जोड़ना आवश्यक क्यों है, क्यों तुम्हें अपने आप को मुझसे जोड़ना चाहिए, क्या पर्पस है, क्या कारण है कि हम अपने आप को भगवान से जोड़ें, क्यों जोड़ना चाहिए। एक बेसिक फैक्ट समझ लीजिएगा, बेसिक बात समझ, मूलभूत बात समझ लीजिएगा कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है भगवत धाम जाने के लिए। मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इससे छुटकारा पाने के लिए। छुटकारा चाहिए। मनुष्य जीवन आपको मिला है तो उसका लाभ उठाना आपका कार्य है। लाभ हम क्यों नहीं उठा पाते, किस लिए नहीं उठा पाते? क्योंकि हम भौतिक संसार में इस कदर रचे और पचे हुए हैं, इस तरह डूबे हुए हैं राग द्वेष में, इस कदर हम इन्वॉल्व हैं कि हमें जो है स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जीवन के बारे में कोई ज्ञान आता नहीं। वो देना चाहता है तो हम लेते नहीं, ये बेकार की बात है जी। ये बताओ पैसा कैसे कमाया जाए, ये बताओ शाम को पैसा खर्च करके आनंद कैसे आएगा। हमारा ध्यान इस पे रहता, हमारा ध्यान इस पे नहीं रहता है कि भाई मुझे मनुष्य जीवन मिला है, इतने शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनको मैं देख ही लूं, उनकी वाणी को मैं सुन ही लूं, कम से कम मुझे पता लगे कि मुझे इस मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए। अर्जुन को माध्यम बनाया भगवान ने हमको ज्ञान देने के लिए। अर्जुन माध्यम बना है, निमित्त बना है। किसका निमित्त है? कि जो ज्ञान लुप्त प्राय हो गया था, ढक गया था, खो गया था, उसको चौथे अध्याय में चर्चा होगी कि उस ज्ञान को दोबारा से भगवान ने प्रकट किया है अर्जुन के माध्यम से हम लोगों के लिए। पर अर्जुन से यह नहीं कहा इधर आ मेरी बात सुन, तेरे को ज्ञान दे रहा हूं, हम भी आपको देंगे तो आप नहीं लोगे? लोगे क्या? ज्ञान आदमी तभी लेता है जब उसकी उसे आवश्यकता महसूस होती है। अगर आज आपको मकान बनाना है तो मकान बनाने का ज्ञान लेना शुरू कर दोगे? आज फर्नीचर खरीदना है तो फर्नीचर खरीदने का ज्ञान लेना शुरू कर दोगे? आज टीवी लेना है तो टीवी कौन सा लेना चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, क्या गुण है, क्या अवगुण है, उसका ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दोगे? अर्थात नीड है, नीड है तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। वही नीड अराइज हुई जब अर्जुन ने, हम पहला अध्याय जब पढ़ते हैं भगवद गीता का, जब अर्जुन ने जो है कहा कि हे गोविंद, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कुटुंबिक मोह जागृत हो गया है, कुटुंब के प्रति मोह आ गया, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, जल देने वाला, पिंड देने वाला कोई नहीं बचेगा, पाप का कार्य हो जाएगा, पाप का कार्य हो जाएगा। मतलब अर्जुन के मन के अंदर ये बात समा गई है कि पाप का कार्य हो जाएगा, वो लड़ने को तैयार नहीं। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मेरे अमंगल या मंगल दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ने बहुत बहाने बनाए, क्योंकि भगवान ने मोह जागृत कर दिया। जब धृतराष्ट्र ने कहा है मामका पांडवाश्च, मतलब मेरे और पांडु पुत्र दोनों अलग अलग कर दिए हैं, हालांकि दोनों कौरव हैं, दोनों कुरु वंश हैं, धृतराष्ट्र ने अलग अलग कर दिया है, परंतु जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, तो भगवान ने कहा है अर्जुन यहां एकत्र सारे कुरुओं को देखो, ये नहीं कहा यहां एकत्र कौरवों को देखो, पांडवों को मत देखो, यहां एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो अर्जुन के मन में मोह जागृत हो रहा है कि भाई मेरी तरफ के लोग भी मारे जाएंगे, उनकी तरफ के लोग भी मारे जाएंगे, वो भी मेरे संबंधी हैं, ये भी मेरे संबंधी हैं। तो उसके मन के अंदर जो है एक विचार आ गया, एक भावना घर कर गई
कि पाप का कार्य होने वाला है, बहुत बहाने बनाता है। जब देखता है कि भगवान नहीं मान रहे हैं, मैं इनको युद्ध के लिए लेके आया हूं, ये मुझे युद्ध के लिए नहीं लेके आए, युद्ध होगा इसके लिए मैं भगवान के पास सहायता मांगने के लिए गया था, भगवान ने मुझे घर से बुला के ये नहीं कहा चल अर्जुन युद्ध कर, भगवान ने नहीं कहा, मैं गया था, युद्ध होना अवश्यंभावी है, युद्ध होगा, अब मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूं। जब तो युद्ध भूमि में भगवान के साथ अर्जुन खड़े हैं, युद्ध होने वाला है, अब भगवान को संदेश देना है, तो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना दिया, निमित्त बना दिया। यस, अब मैं जो संदेश लुप्त हो चुका था, ढक चुका था, लोग उसको भूल चुके थे, अब मैं उसे दोबारा से जागृत करना चाहता हूं। जागृत किया, कैसे किया? अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषो अपत स्वभावा प्रशाम धाम सराम मूर्चेता यक्षे स्या निश्चितम रोहितन में शेषस्ते एम शादी माम ताम प्रपन्नम। धर्म क्या है मैं भूल गया हूं, मुझे नहीं ज्ञान है। ये कितना सुंदर एक बहाना बना। अर्जुन कहते हैं कि धर्म क्या है मैं भूल गया हूं। कौन से धर्म को भूल गए हो भाई, किस धर्म की बात कर रहे हो? धर्म की बात हो रही है कि एक है अर्थशास्त्र, जिसका अर्थ है आताई को देखते ही उसका वध कर देना चाहिए। दूसरा है धर्मशास्त्र, अहिंसा परमो धर्म। अब अर्जुन कंफ्यूज्ड है कि मैं अहिंसा के मार्ग पे चलूं या मैं आताई है ये इनको देख के इनका वध कर दूं। एक बात करता है, धर्म को मैं भूल गया हूं, मेरे में कृपण, मेरे स्वभाव में क्षत्रिय का स्वभाव है, पर मेरे स्वभाव में कृपणता का दोष आ गया है, मैं लड़ने को तैयार नहीं हूं। युद्ध भूमि में खड़ा मैं लड़ने को तैयार नहीं हूं, मेरे अंदर कृपणता का दोष आ गया। यक्षे है स्या निश्चितम रोहितन में, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, मेरे लिए जो उचित हो, मेरे लिए जो अच्छा हो, फायदेमंद हो, लाभदायक हो, वो आप बताएं मेरे को। कैसे बताएंगे, तुम तो उनके सखा हो, बंधु हो, संबंधी हो, तो हो सकता है भगवान तुमसे कोई बात छुपा ले, नाराज ना हो जाए, रिश्तेदारी में है, नाराज ना हो जाए। तो अर्जुन कहता है कि अब मैं आपका शिष्य हूं, क्योंकि गुरु शिष्य से कोई बात नहीं छुपाता, और ये बात वो देख चुका है। ब्रह्मास्त्र चलाने का तरीका द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को सिखाया और अश्वत्थामा को भी सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र को तोड़ने का तरीका, वापस करने का तरीका केवल अर्जुन को सिखाया, अश्वत्थामा को नहीं सिखाया। वो देख चुका है कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए कहता है भगवान को मैं अगर टीचर मान लेता हूं, गुरु मान लेता हूं, शिष्य बन जाता हूं, तो मुझसे कोई बात छुपाएंगे नहीं, जो उचित होगा बताएंगे। फिर मन में बात आती है, अगर ये बता देंगे तो करेगा कौन, करना तो मुझे ही है। इन्होंने कहा तेरे लिए ये उचित है, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, तो करेगा कौन, करूंगा तो मैं। इससे अच्छा है कि भगवान की शरण में चले जाऊं, अपने आप करें जो करना, मैं क्यों करूं। बच्चा मां की शरण में होता है तो मां बच्चे के लिए करती है सब कुछ, बच्चा खुद नहीं करता कुछ भी, मां करती। तो अर्जुन ने कहा शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपका शरणागत। और फिर कहता है अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान देना आरंभ किया। सबसे पहले ज्ञान दिया, अपने बारे में बताया, शरीर के बारे में बताया और आत्मा के बारे में बताया। अब यहां पर जो है रूपा जी लिख रहे हैं परपट के अंदर, उन्होंने ये बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं, जो भूतकाल में प्राणी थे वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं, भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। रूपा जी लिख रहे हैं परपट। अब ज्ञान मिला तो पाप की बात तो अभी तक सर में सवार है, वो तो निकली नहीं होगी। तो भगवान ने 31वें श्लोक से लेके 38वें श्लोक तक उसको बताया कि नरक और स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है, अगर तू अपने कर्म का पालन करेगा अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार और मेरे आदेश पे,
तो तेरे को पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा, पाप कर्म नहीं होगा। जब युद्ध जो है स्वयं ही प्राप्त होता है, तुमने युद्ध करने की इच्छा नहीं जाहिर करी, उन्होंने कहा युद्ध करो तो राज्य ले लो, वरना हम पांच गांव पांच सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं देंगे। अब स्वर्ग की प्राप्ति की बात हो गई, पाप कर्म नहीं होगा इसकी बात हो गई, ये सारी चर्चाएं करने के बाद अब भगवान जो है आते हैं निष्काम कर्म योग पे, कि तुझे कर्म करना है तो युद्ध भूमि में करने के लिए आया है कुछ। क्या करने आया है? युद्ध करने आया। किस लिए करने आया है? किस लिए करने आया है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए। तेरा वर्ण क्या है? क्षत्रिय। तेरा आश्रम क्या है? ग्रस्त। तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? रक्षा करना, प्रजाजनों की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना, गोधन की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। प्रजाजन का पालन करना, गोधन का पालन करना तेरा कर्तव्य है। उसके लिए धन चाहिए, राज्य चाहिए, तेरे को हासिल करना पड़ेगा। तू ग्रस्त है, ग्रस्त होने के नाते जीवित एक जिम्मेदारी है तेरी कि तेरा परिवार भगवत भक्ति के मार्ग पर चले, तेरे परिवार का भरण पोषण हो, पालन पोषण हो, और उसके लिए भी तेरे को कर्तव्य करना है। तो इस समय जो है आवश्यक कर्तव्य है युद्ध। भगवान ने युद्ध नहीं कराया अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को युद्ध नहीं, युद्ध उस वक्त उसका नेचुरल कर्तव्य था, तो कर्तव्य को याद कराया है, कर्तव्य का भान कराया है कि तेरे को अपने कर्तव्य का पालन करना है। इस वक्त कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। इस वक्त तेरा कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। इसलिए युद्ध कर, उत्तिष्ठ भारत, उठो और युद्ध करो। परंतु अब आती है बात, भगवान कहते हैं यहां मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, जीव शरीर और अपने बारे में चर्चा करी, उसके बाद पाप कर्म नहीं होगा इसके बारे में चर्चा करी। अब एक सिंपल सा प्रश्न है, वर्णन किया है भगवान ने, क्या भगवान की वाणी साधारण है या दिव्य है? दिव्य है कि साधारण है? कितने लोग मानते हैं कि दिव्य? हाथ खड़ा करें। और हमारी बुद्धि साधारण है कि दिव्य है? तो साधारण बुद्धि से दिव्य बात कैसे समझ में आएगी? आ जाएगी। दिव्य ज्ञान हमारी माया की बनी बुद्धि है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से कंट्रोल होती है। क्या हमारी बुद्धि भगवान का दिया हुआ ज्ञान समझने में समर्थ है? समझ सकती है क्या? पॉसिबिलिटी है क्या समझने की? तो कैसे समझेंगे? कैसे बात समझ में आएगी? भाई भगवान ज्ञान दे रहे हैं और मैं समझना चाहता हूं, तो मुझे वो बात समझ में आनी चाहिए। वो कैसे आएगी समझ में? मतलब मुझे अपने अंदर दिव्य गुण प्राप्त करना होगा। दिव्य गुण क्या है? दिव्य बुद्धि प्राप्त करनी होगी कि दिव्य बुद्धि होगी तो दिव्य ज्ञान समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। तो इसी भगवद गीता के अंदर भगवान जो है दसवें अध्याय में चर्चा करते हैं, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामी बुद्धि योगम थे ये नियमों पयांति थे। वो जो लगातार निरंतर मेरे प्रीत भजन में प्रीति पूर्वक लगे रहते, प्रेम पूर्वक मेरे भजन में, मतलब श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्थात सारी भजन क्रियाएं हैं, इन सब सेवाओं में मेरे प्रति लगातार लगे रहते हैं, निरंतर कोई गैप नहीं आता, हर क्षण मेरा स्मरण रहता है, हर क्षण मन में विचार रहता है कि भगवान की सेवा कैसे करी जाए। हम लोग एक साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि आपको भगवान को लगातार स्मरण में रखना। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य,
मतलब हर क्षण हर पल हर मोमेंट भगवान का स्मरण रहना चाहिए। तस्मात सर्वेषु कालेषु, मतलब जो भी कार्य करना है भगवान का स्मरण करते हुए करना। जब भगवान का स्मरण लगातार रहेगा, जहां मिलेंगे भगवान की चर्चा होगी, जहां बैठेंगे भगवान की चर्चा होगी, जहां दो व्यक्ति खड़े होंगे भगवान की चर्चा होगी, भौतिक संसार की चर्चा नहीं होगी, केवल भगवान की चर्चा होगी। उस स्थिति के अंदर भगवान क्या कहते हैं, उसको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूं। ऐसे व्यक्ति को भगवान दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं, और दिव्य बुद्धि प्राप्त करके वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। दिव्य ज्ञान कौन सा है, जो मैं दे रहा हूं। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान मैं दे रहा हूं वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, साधारण नहीं है। फिर कहा, इसे सुनो, सुनना है, मस्ट हियर। सुनना कैसे है, सुना और अनसुना कर देना है कि केयरफुली सुनना है। पहली बात, सुन लिया, वो तो होता ही रहता है, तो कथा चलती रहती है, तो होता ही रहता है, चलो कोई बात नहीं, आज सुनाए हैं कल कुछ और सुन लेंगे। क्या ऐसे सुनने की बात भगवान कह रहे हैं, या सिंसियरली एंड सीरियसली सुनने की बात कर रहे हैं? किस तरह की सुनने की बात कर रहे हैं? सिंसियरली सुनना है, सीरियसली सुनना है, या ऐसे ही सुनना है? दूसरी बात, असली सुनना क्या होता है? एक है असली सुनना, एक है नकली सुनना, दोनों में फर्क क्या? प्रभु जी एक गिलास पानी पिलाई, उठ के चल दिए। मैंने तो नहीं कहा उठ के जाओ, बोला क्या? मैंने बोला क्या उठ के जाओ? नहीं बोला ना। मैंने कहा, इन्होंने ध्यान पूर्वक असली सुना कि प्रभु जी को प्यास लगी होगी, मैं उठ के पानी लेके आता हूं। अर्थात जो सुना है उसका पालन करना। दूसरा है सुनते रहे, कहते रहे, उसको कहने वाला कह रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, नकली सुनना। ये तो बोलते ही रहते हैं, इनका क्या है, इनकी तो कहने की आदत है। भगवान कह रहे हैं सुनो, और सुनो के बाद क्या करना है कि यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे। ये सुनने का प्रभाव बताया, क्या बताया कि यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे। कैसा ज्ञान, किस ज्ञान की बात हो रही है? वो ज्ञान जो मैं दे रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं अपने ज्ञान से। ये ठीक है जी, मेरे तो परिवार में ऐसे ही चलता आया है। अब कौन इतनी मुसीबत झेले, किसके पास फुर्सत है इतने कायदे कानून लगाए? अरे भाई, भगवान कह रहे हैं कि मेरे दिए हुए ज्ञान के अनुसार कार्य करना है। हम कह रहे भगवान मैं अपने ज्ञान के अनुसार कार्य करूंगा। कर्म करना है, भगवान क्या कह रहे हैं, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं रखनी, कोई डिजायर नहीं है। किसकी डिजायर? भौतिक संसार में सुख भोगने की, भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति की डिजायर नहीं होनी चाहिए। एक डिजायर होनी चाहिए, मस्ट, वो डिजायर होनी ही चाहिए। वो डिजायर क्या है? हे ठाकुर जी, मैं आपकी सेवा में किस प्रकार से लगूं, मुझे बता दीजिए। हाउ शुड आई सर्व यू, यह डिजायर मन में होनी चाहिए कि मैं आपकी सेवा किस प्रकार से करूं, यह मुझे ज्ञान चाहिए ताकि मैं सेवा में उस प्रकार से लग सकूं। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म करने का तरीका मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस। देखिए, स्थिति बड़ी साफ है। इंडिया इंग्लैंड का क्रिकेट मैच चल रहा, कितने लोग देखते हैं? शर्माइएगा नहीं, हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं देखता, वो देखता। थके हुए पिता घर आते हैं, सारा दिन धूप में काम वाम करके, अपना सब करके थके हुए घर आ रहे हैं।
और घर आने के बाद जो है सोफे के ऊपर अधलेटा हो गए। बेटे को बुलाया, बेटा टांगे दबा दे, बहुत थक गया हूं, बहुत थक गया हूं, चल चल के धूप के अंदर मेरी बुरी हालत हो गई है, जरा टांगे दबा दे। अब बेटा उसी बैठा टीवी देख, चौके छक्के जड़े जा रहे थे। अब अगर टांगे दबाता है तो टीवी की तरफ पीठ हो जाती है, तो सोफे का जो मुख है वो टीवी की तरफ है, व्यक्ति बैठा है टीवी की तरफ देख रहा है, अब वो आगे जब टांगे दबाएगा तो उसकी पीठ हो दिखाई नहीं देंगे, तो मूड ऑफ हो गया। चुपके से उठा, पिता के पीछे आया, कंधे दबाने शुरू कर दिए, कंधे। पिता ने कहा बेटा कंधे दर्द नहीं कर रहे हैं, मेरी टांगे दर्द कर रही हैं, टांगे दबा दे यार, जरा कंधे दबाए जा रहा, टना टन, क्योंकि सामने चौके छक्के चल रहे, मजा तो उसमें आ रहा है। फिर बोला बेटा टांगे दर्द कर रही हैं, तमाम शिणु सुन मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी टांगे दर्द कर रही हैं, कंधे दर्द नहीं कर रहे हैं, टांगे दबा। पिताजी वो देखो छक्का मार दिया, बोलना नहीं, सेवा हो रही है ना, चुपचाप कराते रहो, सेवा हो रही है, पर किसकी मर्जी से हो रही है, लड़के की मर्जी से हो रही है, पिता की मर्जी से हो रही नहीं हो रही, हमें सेवा किसकी मर्जी से करनी है, भगवान की मर्जी से। क्या हम करते हैं, क्या हमने गुरु धारण करके गुरु के पास, शिक्षा गुरु के पास, दीक्षा गुरु के पास जाके ये ज्ञान प्राप्त किया कि मुझे भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। हम तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने अनुसार कर रहे हैं, जैसे हम करें सब ठीक है जी। अच्छी सेवा तो चल रही ना, सेवा तो चल रही है, आपकी मर्जी से नहीं चल रही है तो क्या हो गया, सेवा तो सेवा है, तो क्या उससे लाभ की प्राप्ति होगी, क्या उससे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, क्या उससे आप धाम पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसलिए जो है जब हम भगवद गीता का ज्ञान लेते हैं, जब हम गुरु के आदेश से उनके माध्यम से इंस्ट्रक्शंस आदेश लेते हैं कि मुझे भगवान के साथ अपने आप को कैसे जोड़ना है, मुझे अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के किस प्रकार से सेवा करनी है, अर्थात सहित भाव क्या है और निष्काम भाव क्या है। अभी काफी सारा तात्पर्य है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट में बात करता हूं। मंदिर में आए, मिठाई लेके आए, भगवान के सामने रखी, बोला बच्चा पास करा दो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दो, टेंडर खुलवा दो, नौकरी लगवा दो, घर बनवा दो, गाड़ी दिलवा दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब आपने भगवान की सेवा में अपने आप को, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाया, पर कामना सहित, एक कामना थी कि भौतिक संसार में मुझे इस सुख की प्राप्ति हो जाए, यही करते हैं ना। इसका अर्थ क्या है, कभी सोच के देखा है, कभी सोच के देखा है कि हम ये कार्य करते हैं, फूल ले आएंगे, फल ले आएंगे, माला ले आएंगे, मिठाई ले आएंगे, और भगवान के सामने आके हाथ जोड़े, आंखें बंद, आंखें बंद, अरे भगवान के दर्शन करने आए हो या अपने दर्शन भगवान को देने आए हो, भगवान तो आंखें खुली रखे हुए। और मजे की बात यह है कि जिनके दर्शन करने आए थे, जब आंख खुली तो पट बंद हो गए थे, दर्शन बंद हो गए, देखा ही नहीं, मंदिर में आए और भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। मैं तो आंखें बंद किए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा काम करवा दीजिएगा, देखिए मैं आज आपके लिए अगली बार आऊंगा तो 5.25 किलो लड्डू लेके आऊंगा आपके लिए। सोचिएगा जरा, विचार करिए, भाव क्या है। हम लोग बचपन से आरती करते आए हैं, इस कौन में आने से पहले वही आरती किया करते थे, ओम जय जगदीश हरे, यही गाते थे ना, आज भी गाते होंगे बहुत सारे लोग, मैं सेवक तू स्वामी, कष्ट मिटे तन का, ऐसी कहते हैं कुछ, मैं सेवक तू स्वामी, मतलब आप मालिक हो और मैं आपका नौकर हूं, मालिक मतलब स्वामी, नौकर मीर। आप इसको जरा थोड़ा सा उदाहरण के रूप में समझिएगा,
घर में टीवी खराब हो गया, आपने मैकेनिक को बुलाया, उसने कहा जी ठीक करूंगा 2000 रुपए लगेंगे, आपने 2000 रुपए दे दिए, वो टीवी ठीक करने लग गया। नौकर कौन है, 2000 देने वाला या टीवी ठीक करने वाला, कौन नौकर है? पैसे देने वाला नौकर नहीं है, स्वामी है। टीवी ठीक करने वाला सेवक है, सेवा कर रहा आपकी, सेवक है। मतलब आपने उसको दाम दिया और वो आपका कार्य कर रहा, ठीक है। तो दाम देने वाला कौन है, दाम देने वाला कौन है, स्वामी है। कार्य करने वाला कौन है, सेवक। ठाकुर जी लीजिए 5.25 किलो लड्डू और मेरा काम करिए, तो नौकर कौन हुआ, भगवान को बना दिया आपने, आपने सेवक भगवान को बना दिया और खुद बन के स्वामी की स्थिति में और आरतियां कर रहे हैं, मैं सेवक तू स्वामी, और करते क्या है, तू सेवक और मैं स्वामी। ये हाल है हम लोगों का। भगवान कहते हैं कि मैं बता रहा हूं निष्काम भाव से कर्म कैसे करना, मेरे कहे अनुसार करना, अपनी मर्जी से नहीं करना। लालच हमें कूट कूट के भरा, लालची बहुत है, लालची इतने हैं कि कोई भी कार्य बिना लालच के नहीं करते। ठीक है भगवान आपने बता दिया, मैंने अध्ययन दिया, मैंने ज्ञान दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने निष्काम भाव से कर्म करना बता दिया, मैंने सुन भी लिया, करने को भी तैयार हूं, मेरा क्या फायदा होगा, मेरा फायदा क्या, मैं क्यों करूं आपके अनुसार कार्य, मैं आपके कहे अनुसार कार्य क्यों करूं, मेरा लाभ होना चाहिए, मैं तो स्वार्थी जीव हूं, स्वार्थ के लिए काम करता हूं, फायदे के लिए काम करता हूं। आप बताएं ये मेरा क्या फायदा होने वाला। तो भगवान ने साथ ही बात जड़ दी कि तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए। कर्म के बंधन से मुक्त होने का मतलब है पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, किसी का फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य कर्म करेंगे तो भी फल मिलेगा, पाप कर्म करेंगे तो भी फल मिलेगा। दोनों कर्मों के फल के लिए शरीर धारण करना आवश्यक है, कि पुण्य भोगेंगे तो शरीर चाहिए, पाप भोगेंगे तो शरीर चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा अर्थात शरीर से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मेरे धाम आ जाएगा। यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमारी डिमांड है, ये तुम्हारी डिजायर है कि हम भगवान के धाम चले जाएं। भगवान के धाम जाने का अर्थ यह है कि भगवान के घर में प्रवेश, और किसी के भी घर में प्रवेश तभी मिलता है जब उस घर वालों से प्यार हो। भगवान से प्यार होगा तो भगवान के घर में जा पाएंगे, और प्यार प्राप्त करने का एक ही तरीका है सेवा, उसके सेवा कुछ नहीं। और सेवा किस तरीके से, जैसी सेवा करवाने वाला सेवा चाहता, अर्थात जिसका प्रेम प्राप्त करना है, जैसी वो सेवा चाहता है वैसी सेवा करेंगे तब तो प्रेम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दो नौकर हैं आपके पास, एक नौकर ले भाई 50,000 रुपए बैंक में जमा कराया, आधे घंटे के बाद आया, घंटे के बाद आया, रसीद दे दी, सर ये 50,000 जमा हो गए। दूसरा नौकर आया, अगले दिन बोला ले भाई 50,000 बैंक में जमा करा दे, दो घंटे के बाद आया, सर बैंक बंद हो गया था, 50,000 वापस ले लीजिए। भाई कल वो 12 बजे गया था, 1 बजे जमा करा के आया, आज तो 12 बजे गया है, 2 बजे आ रहा है, कह रहा है बैंक बंद हो गया। कैसे बंद हो गया भाई? नहीं सर क्या हो गया था, मैं घर से बाहर निकला, मौसी का लड़का मिल गया, उससे बातें करने लगा, फिर मौसी के घर चले गए, वहां चाय पीने बैठ गया, चाय पीने के बाद फुर्सत पाई तो फिर एक दोस्त मिल गया, उसे गप्पे लगाई, बैंक पहुंचा तो बैंक बंद हो गया था। तो आपको दोनों नौकरों में से, दोनों सेवकों में से कौन सा सेवक पड़ा, पहला वाला प्यारा है कि दूसरा वाला प्यारा? तो जो आपके अनुसार कार्य करता है वो आपको प्यारा है, जो भगवान के अनुसार कार्य करेगा भगवान उसको प्यार करेंगे। तो भगवान के धाम जाना है तो भगवान ने कहा है जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करते हैं कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा अध्याय 31वां श्लोक, जो मेरे आदेश का पालन करते हैं अर्थात दे डू व्हाट आई से, मेरे आदेश का पालन करते हैं तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां चर्चा ये आ रही है कि हमें कर्म के बंधन से मुक्त होना है,
अब कर्म का बंधन जो है वो क्या है कि जो भी कर्म करते हैं उसका फल प्राप्त होता है। अगर पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य फल प्राप्त होगा, पाप कर्म करेंगे तो पाप फल प्राप्त होगा। पुण्य कर्म कौन सा है? जो शास्त्रों के आदेश के अनुसार किया जाए। पाप फल कौन सा है? जो शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध किया जाए। अब मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है तो मुझे उसके लिए सिंपल सी बात समझ में आ गई एक लाइन में कि मुझे भगवान के आदेश का पालन करना। अब आइए परपट का अगला पैराग्राफ। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्मयोग की कार्यविधि बताएंगे जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया है, अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है जिसमें इसे भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनावृत में शिक्षित होता है वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर सकता है, जो मैंने आपसे पहले बताया। तेषां सतत युक्तः। जब तक भगवान को निरंतर भजन नहीं करेंगे प्रीति पूर्वक, क्या मुसीबत है, कह दिया करना पड़ रहा है, मैं तो फंस गया, नहीं, भुनभुनाते हुए नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, प्रीति पूर्वक प्रेम से भजन हो रहा, प्रेम से, किंतु नहीं, लेकिन नहीं, परंतु नहीं, इफ नहीं, बट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम, प्रेम पूर्वक सेवा कर, प्रेम पूर्वक। यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अतः भगवान कहते हैं जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कराते हैं, उन्हीं को ज्ञान देते हैं, उन्हीं को प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से चिदानंदमय धाम में पहुंच जाता है क्योंकि अब दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दिव्य बुद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। हम भौतिक संसार में थे, डॉक्टरी करी, बचपन से भगवत गीता पढ़ते थे, समझ में आती नहीं थी, लाल कपड़े में से किताब खोली, एक श्लोक दो श्लोक पढ़े, बंद करके रख दी, पल्ले तो कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं पल्ले पढ़ा। ये तो जब किसी ने ज्ञान दिया प्रभु जी के माध्यम से और प्रभु जी के माध्यम से गुरु महाराज के माध्यम से ज्ञान मिलना शुरू हुआ, हमने कानों में डाला और उसे हृदय में उतारा, तब जाके पता लगा भैया भौतिक संसार नहीं चाहिए, भगवान का धाम चाहिए। भौतिक संसार नहीं चाहिए, भौतिक संसार नहीं चाहिए, है यहां पर गुजारा करना है भाई, किसी तरीके से टाइम पास करना है, पर लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम, भगवान का धाम। तो उस धाम में पहुंचने के लिए क्या बात आई? बात आई कि किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करके उसके मार्ग में चल के आप चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहां पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है, ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, ना ही कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता करी। देखिए अलग अलग लोग अलग अलग समय में भक्ति का, भगवद गीता का अलग अलग व्यवधान, अलग अलग व्याख्या करते अपनी मनमर्जी के मुताबिक, अपनी मनमर्जी के मुताबिक। मेरा विचार यह है। अरे भाई क्या तेरा विचार भगवान के विचार से मेल खाता है? ये सोच ले पहले। प्रभुपाद जी ने क्या किया? भगवत गीता एज इट इज, यथा रूप, अर्थात जैसा भगवान का बताने में भाव है प्रभुपाद जी ने उसी भाव को लेकर चले, उसमें अपना भाव नहीं मिलाया, क्योंकि प्रभुपाद जी का भाव वही है जो भगवान का भाव है। तो सिंपल बात हो गई, भगवान का भाव प्रभुपाद का भाव है, प्रभुपाद का भाव भगवान का भाव है।
तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए नाम क्या रखा, एज इट इज, यथा रूप। तो यहां चर्चा आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने व्याख्याएं करी हैं अपनी मर्जी से, उनको जब पढ़ते हैं हम तो हमें कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छे भले श्लोक का क्या कबाड़ा कर दिया, भगवान के अच्छे भले संदेश का कैसे उल्टा सीधा अर्थ निकाल दिया। आगे आती बात, वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहां सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। सांख्य होता है संख्या, संख्या का मतलब होता है मेजरमेंट, नाप तौल। तो यहां मेजरमेंट भगवान ने करी किसकी, शरीर क्या है और आत्मा क्या है, उसको अच्छे तरीके से नाप तौल के समझाया, इसलिए इसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। अब यहां कहते हैं भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया कि तेरे को मेरे कहे अनुसार कार्य करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, सही रास्ते पे चलना है, तो सबसे पहले पाप की बात मन से निकाल, सबसे पहले ये समझ कि तू शरीर है या नहीं है, नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यह बात समझ ले। फिर आत्मा है तो समझ तू आत्मा आई कहां से, फिर समझ ले आत्मा किसका अंश है, फिर समझ ले कि मृत्यु के बाद आत्मा को जाना कहां है, ये सारा ज्ञान प्राप्त करना है, इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो यहां चर्चा आ रही है कि अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है, दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग अथवा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, निसंदेह ईश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अब समस्या क्या आती, हम लोगों की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। एक बचपन में बड़ी बहन एक जोक सुना करते थे, कहावत सुना करते थे कि सारी रात रामायण पढ़ी और सवेरे पूछा कि सीता जी राम जी की कौन थी, सारी रात पढ़ते रहे, सवेरे तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, 0/0 हो गए। यहां भगवद गीता पढ़ ली फिर बोले अनिश्वरवादी प्रवचन है सारा, भगवान तो निराकार है, भगवान तो साकार है ही नहीं, भगवान सगुण है ही नहीं, भगवान निर्गुण निराकार है, ये अनिश्वरवादी प्रवचन है। बोला भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करना, भगवान को निराकार लिया है तो साधारण मानव मान लेना, उनको दिव्य मानव नहीं मानना, उनको ट्रांसेंडेंटल नहीं समझ। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग अर्थ कृष्ण भावना में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है, जो भगवान तरीका बता रहे हैं पूर्ण आनंद, क्योंकि जब दिव्य बुद्धि प्राप्त हो जाएगी तो आनंद पूर्ण हो जाएगा, मजा आ जाएगा फिर तो। अगर आपको कोई भौतिक संसार में अच्छी चीज मिल जाती क्या कहते हो, मजा आ गया जी, कमाल है, कल तक तो छोटा टीवी देखते थे, आज LED लग गया बड़ा 56 इंच का, मजा मजा आने की बात करते। यहां क्या, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो गया, जीव का ज्ञान प्राप्त हो गया, शरीर का ज्ञान प्राप्त हो गया, अब तो मजा आ गया भाई, पता लग गया क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो पूर्ण आनंद की स्थिति आ गई। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उत्तम भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी क्या देते हैं कि भगवान की भक्ति करते हुए, भक्ति योग में लगे हुए अगर आपके प्राणों पर भी बन आती है तो प्राणों को बचाने की याचना नहीं करनी है, याचना नहीं करोगे तो उत्तम भक्ति में हो, उत्तम भक्ति में, याचना करोगे तो मध्यम भक्ति में आ जाओगे। तो उत्तमा भक्ति का लक्षण क्या है कि भगवान की सेवा में अपने आप को डुबो देना, अपने प्राणों को बचाने की भी याचना नहीं करना। आगे लिखते हैं ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत गीता से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल की प्राप्ति से इच्छा किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्र तृप्ति के लिए किए कर्म में प्रचुर अंतर है, अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण। अब आपने देखना है कि आपको कर्म करना है,
बारंबार शरीर की प्राप्ति के लिए या कर्म करना है शरीर से छुटकारा पाने के लिए। तो यही ज्ञान अब भगवान आगे देंगे। 54वें श्लोक तक ये ज्ञान आ रहा है, उसके बाद फिर 5वें अध्याय में ज्ञान आएगा और पूरी भगवद गीता में इसी ज्ञान की चर्चा हुई है। अंत सिर्फ एक ही बात में है, जो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहने के बाद भी अर्जुन नहीं कर पाया, अब मैं आपका शरणागत हूं, उस कार्य को कर देना चाहिए, भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा समझाया। तो आज के श्लोक में जो दूसरी पंक्ति है, बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रयासि, भगवान कहते हैं कि उस बुद्धि के द्वारा अगर तुम युक्त हो जाओगे, तुम्हारे पास वो बुद्धि आ जाएगी, तो तुम कर्म बंधन को काट सकोगे। कर्म बंधन काटना है, कर्म बंधन है इस भौतिक संसार में, कर्म बंधन है मनुष्य के जीवन में, कर्म बंधन है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, कर्म चाहे शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, उसका बंधन है और बंधन के कारण आप इस संसार में रहेंगे। तो आपको भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा आप कर्म बंधन को काटेंगे। तो बुद्धि मतलब एक प्रकार का जो है चाकू है या तलवार है। 4वें अध्याय में भगवान कहते हैं ज्ञानासिना, यानी ज्ञान की तलवार। तो ज्ञान की तलवार या बुद्धि की तलवार, भगवान अर्जुन को बुद्धि की तलवार देना चाहते हैं ताकि कर्म बंधन को काट सकें। और कर्म बंधन जो है इस भौतिक संसार में है, हर व्यक्ति को कर्म से बंधना पड़ेगा। अगर भगवान जो है आपको ये तलवार दे देते हैं तो आप कर्म बंधन को काट सकते हैं, वरना तो बंधन आएगा। आपके हाथ में तलवार है, कोई अगर बंधन से आपको बांधता है, आप काटते जाओगे, आपके पास तलवार है ना। तो अर्जुन को भगवान पहले तलवार देना चाहते हैं, ज्ञान की तलवार, बुद्धि की तलवार देना चाहते हैं कि तुम कर्म बंधन को काटो, इसके बाद फिर युद्ध करो। तो हर व्यक्ति के लिए जो है ये आवश्यक है, मनुष्य जीवन में आवश्यक है कि आपके पास एक तलवार होनी चाहिए, वो पहली तलवार। तो जो बुद्धि है, भगवान जो बुद्धि दे रहे हैं, कृष्ण भावना भावित बुद्धि है, तो वो जो है पैनी तलवार है। अगर बहुत पैनी तलवार हो, कितना भी मजबूत बंधन हो, आप कट तुरंत कट जाए, तुरंत काट जाएंगे। और हर बार बंधन आता है, हर बार बंधन आता है, आप कोई कर्म करते हैं हर बार बंधन आता है और आप कट कट कट, तो बिना परिश्रम के आप क्या करते हैं, कट 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 काटते जाएंगे। और इसमें मजा भी आएगा, आपको आनंद भी आएगा, काटने में आनंद भी आएगा, अच्छी पैनी तलवार है ना। तो भगवान गीता में जो दे रहे हैं बुद्धि, तो बुद्धि योगे तुम आम सुनो, उस बुद्धि को तुम सुनो, और सुनना है आपको, सुनना है तो आपको वो बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। और बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो पैनी बुद्धि है, पैनी तलवार है, आप कर्म बंधन को काटते जाएंगे और जन्म बंध है विनिर्मुक्ता पदम गच्छन तनामयम, तो भगवान के धाम में जाएंगे। तो ये जो है आज का संदेश है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर और सरल तरीके से भगवद गीता समझाते हैं, जो आम बुद्धि साधारण बुद्धि वाले लोगों के भी समझ में आ जाते हैं। तो प्रभु जी का हम इसी के लिए धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।